नमस्कार दोस्तों, सुरुचि एवं किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दालिया के लाड़ू यानी कि फूली चना दाल के लाड़ू। यह लाड़ू बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। आप इस दिवाली इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं दालिया के लाड़ू। दालिया के लाड़ू बनाने के लिए हम लेंगे 200 ग्राम दालिया यानी कि 2 कटोरी दालिया। इसे मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। पीसी हुई चीनी लेंगे 1 कटोरी, इसे अच्छे से छान के लेना है। ड्राई फ्रूट में लेंगे काजू और बादाम। 1 कटोरी घी लेंगे, इसे अच्छे से गर्म करके लेना है। सबसे पहले हम दालियों को रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको रोस्ट नहीं करना हो तो आप इसे धूप दिखा दीजिए 2-3 घंटे के लिए। अभी इसे पैन में डाल देते हैं और इसे 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करके लेते हैं। अभी 2-3 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। दालिया ठंडी हो चुकी है, अब हम इसे मिक्सर में से पीस लेते हैं। यहाँ पे हमने इसे रोस्ट कर लिया है, इसे हमारे लाड़ू का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी ढक्कन लगा के लेते हैं और इसे बारीक पीस लेते हैं। अभी मैंने इसे पीस लिया है अच्छे से बारीक। एक बर्तन में इसे निकाल के लेते हैं और इसी तरह से बाकी बची हुई दालियों को पीस लेते हैं। दालियों को मैंने पीस लिया है। अब हम यहाँ पे आटा छानने की छन्नी लेंगे और इसे छान के लेंगे। हम यहाँ पे छान के लेंगे ताकि यहाँ इसमें जो ऊपर बचेगा उसे हम फिर से एक बार मिक्सर में से पीस लेंगे और छान के लेंगे। वो हमारे लाड़ू में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से पूरे इसको छान के लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी पीसी हुई चीनी। चीनी को भी हम अच्छे से छान के लेंगे। अभी हाथों से हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट। यहाँ पे मैंने काजू और बादाम के बारीक पीसेस कर लिए हैं, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे घी। घी को मैंने यहाँ गर्म करके लिया है। यहाँ पे मैंने गाय का देसी घी लिया है। घी को हम एकदम ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा घी कम लग रहा है तो और थोड़ा घी ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से फिर से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमारा आटा हो जाना चाहिए। यहाँ पे घी परफेक्ट डल चुका है। अब हम इसके लाड़ू बना के लेते हैं। इस तरह से दोनों हाथों से गोल गोल कर हम लाड़ू बनाएंगे। परफेक्ट लाड़ू बनने के बाद हम इस पर लगा देंगे ड्राई फ्रूट। मैं यहाँ पे बादाम लगा रही हूँ। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो आप चीनी और थोड़ी ऐड कर दीजिए। इसे भी बना के लिया है, इसे भी ड्राई फ्रूट लगा देते हैं। इसी तरह से मैंने सभी लाड़ुओं को बना लिया है। तैयार है हमारे दालिया के लाड़ू। इसी वाले आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।